अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं जासिब, आप देख रहे हैं टेक वीडियो रिव्यूज़। आज की वीडियो में आप लोगों को मैं बताने जा रहा हूं सरसों के तेल का काम। जी हां, सरसों के तेल का बिज़नेस बताने जा रहा हूं, और इसके अंदर विदाउट इन्वेस्टमेंट कोई भी पैसे आपने इन्वेस्ट नहीं करने, और आप लोग जो है इससे ये समझ लें पर केजी के ऊपर आराम से जो है 200-300 रुपये आराम से कमा सकते हैं, ठीक है। और इन्वेस्टमेंट भी आपने इस पर कोई नहीं करनी है। वीडियो शुरू करने से पहले बस छोटी सी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर अब तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि डेली बेसिस पे इस तरह की आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिल सकें। और अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। तो चलें बिना टाइम ज़ाया करें हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेकिन जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं रोज़ आप लोगों के लिए रोज़ नए नए आइडियाज़ की वीडियोज़ लेकर आता हूँ अर्निंग से रिलेटेड। ये वीडियोज़ उन लोगों के लिए भी होती हैं जो एजुकेटेड होते हैं, वो भी कारोबार कर सकते हैं, और ये उन लोगों के लिए भी होती हैं जो कि बेचारे इतने एजुकेटेड नहीं होते, पढ़े लिखे नहीं होते, वो भी अपना कारोबार कर सकते हैं। तो आज की वीडियो भी मैं जो बना रहा हूँ वो उन लोगों के लिए है जो बेचारे इतने एजुकेटेड नहीं हैं और जो है इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते अपने कारोबार के अंदर, वो कम पैसे से अपना कारोबार स्टार्ट करना चाहते हैं। तो ये जो मैं सरसों के तेल का कारोबार आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, ये आप लोग बआसानी कर सकते हैं और हज़ारों रुपये जो है इसमें कमा सकते हैं विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट। किस तरह से स्टार्ट करेंगे सब कुछ आप लोगों को बताऊंगा। देखें, जो सरसों के तेल का ये कारोबार है ये आप लोग इस तरह से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले तो देखें, आप दराज के ऊपर जाके सर्च करें कि मस्टर्ड ऑयल और या सरसों का तेल, इस तरह से सर्च करें दराज के ऊपर जाके, तो बहुत सारी जो है लिंक्स आ जाएंगे जो कि लोग जो हैं सरसों का तेल जो है सेल कर रहे हैं, और उनकी नीचे आप सेल भी देख लें कि कितने कितने सेल हो रहे हैं उनके, और वो पर केजी के हिसाब से जो है 600 रुपये किलो, 650 रुपये किलो जो है सरसों का तेल सेल कर रहे हैं, ठीक है। और वो भी इसी तरह सेल कर रहे हैं जो कि अब मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। इसमें आप लोगों को 200 से 300 रुपए का प्रॉफिट पर किलो के ऊपर आराम से हो जाएगा। तो सबसे पहले आपने सर्च करके देखना है कि कितने लोग ये काम कर रहे हैं, ताकि आपको इसका अंदाज़ा हो जाएगा कि वाकई इसके अंदर प्रॉफिट है। अब आपने करना क्या है कि देखें, आपके इलाके में आप जिस भी सिटी में रहते हैं, जिस भी इलाके में रहते हैं, ठीक है, आपके इलाके में आपने देखना है कि जो ये तेल निकालने वाली शॉप्स होती हैं जिन्हें कोलू भी कहा जाता है, जहाँ पर हर तरह के तेल निकाले जाते हैं, वो कहाँ पर हैं। क्योंकि ये तेल आपने मार्केट से परचेज़ नहीं करना, आपने दुकानदारों से परचेज़ नहीं करना, क्योंकि वो ऑलरेडी इसके अब ऊपर जो है सरसों के तेल के ऊपर अपना मार्जिन रख के फिर आपको देंगे, तो फिर उसमें आपको प्रॉफिट नहीं होगा, ठीक है। आपने सर्च करनी है वो बड़ी दुकानें जो कि कोलू कहलाती हैं, जहां से जो है तेल निकाले जाते हैं सरसों के, और मुख्तलिफ तेल जो है वहां पर निकाले जाते हैं, तो उन शॉप्स के ऊपर आपने जाना है। उन्होंने बड़ी बड़ी मशीनें लगाई हुई होती हैं अपनी, और उसके अंदर पूरी पूरी बोरियाँ डाल के बीजों की, और वहां से वो तेल निकाल रहे होते हैं, तो वहां पर आप लोगों ने जाना है। अब मैं आपको रेट बताता हूँ कि जो सरसों के तेल के रेट ने प्योर तेल के, उसमें कोई मिलावट नहीं होगी। काली सरसों और पीली सरसों दो तरह की होती है। खाने के अंदर काली सरसों यूज होती है जो कि आम खाने पकाने में इस्तेमाल करी जाती है। वो सरसों, उस सरसों का तेल जो है 360 रुपए किलो चल रहा है, ठीक है, 360 रुपए पर केजी के हिसाब से, सही है। और वही सरसों जो है, ये जो आम सरसों का तेल होता है, यही हर घर के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। और आप जब दराज पे सर्च करके देखेंगे तो खालिश सरसों का तेल 600 रुपए किलो भी कोई बेच रहा है, 650 भी बेच रहा है, 700 भी बेच रहा है, ठीक है। आप लोग क्या करेंगे, अब आप लोगों को रेट पता चल गया कि 360 रुपए केजी के हिसाब से आप लोगों को सरसों का तेल मिल रहा है, ठीक है। उन्हीं शॉप्स पे, उन्हीं दुकानदार के पास गैलन्स भी होते हैं, 1 kg का, 2 kg का, 5 kg का, जिस तरह के पानी की बॉटल्स होती हैं इस तरह के गैलन्स प्लास्टिक के होते हैं उनके पास, ठीक है। 1 gallon जो है मुश्किल से अगर आप 1 kg का लेते हैं, 2 kg का लेते हैं, तो 30-40 रुपये का गैलन होता है, सही है। अब आपने क्या करना है, 1 kg के जो प्लास्टिक के गैलन है वो उनसे ले लेने हैं, 30 रुपए का गैलन होता है, और जो है 1 kg उसमें सरसों का तेल डलवा लेना है। तो 1 kg सरसों का तेल आपको कितने का पड़ जाएगा, 360 रुपए किलो जो है सरसों का तेल है, 30 रुपए का आपने गैलन ऐड करा, 390 रुपए का आपको 1 kg पैकिंग के साथ पड़ गया, यानी कि उसकी बोतल आ गई। अब क्या करेंगे, आप अपना जो है एक, जो जिस नाम से भी आप सेल कर रहे हैं उसकी जो है एक ब्रांडिंग बनवा लें, एक ब्राउशर बनवा लें जो छोटे लिफाफे टाइप होता है, उस पर अपना नाम लिख दें, खालिश सरसों का तेल लिख दें, ठीक है ना, और उसकी थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन लिख दें अपने बारे में, अपना एड्रेस, अपना फ़ोन नंबर, और हर बोतल के ऊपर जो है आपने वो प्लेस कर देना है, चिपका देना है हर बोतल के ऊपर। तो आप लोग जब वो प्रिंट करवाएंगे अपना जो भी ग्राफिक्स है
बोतल पे चिपकाने के लिए, तो आपका ये समझ लें 1,000 के अंदर जो है 2,000-3,000 आराम से प्रिंट हो जाएंगे। मुश्किल से आप लोगों को 8 रुपये का 9 रुपये का जो है एक अपना प्रिंट पेपर पड़ेगा, तो उसके भी पैसे अगर आप बोतल में शामिल करते हैं तो टोटल जो है आप लोगों को 400 रुपये की बोतल पड़ गई प्रिंटिंग के साथ, अपनी ब्रांडिंग के साथ, और उसके अंदर तेल भी शामिल है 1 किलो। टोटल कॉस्ट जो है आप लोगों को 400 रुपये की पड़ गई, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, ऑनलाइन आपने कहीं पर भी नहीं जाना है, ऑनलाइन दराज के ऊपर आप अपना स्टोर बनाएं, स्टोर बना के अपने तेल की जो है अच्छी अच्छी तस्वीरें लें, तस्वीरें खींचने के बाद अपने दराज स्टोर पे अपनी इमेजेस को अपलोड कर दें अपनी तस्वीरों को, और जो प्राइस आप लोग वहाँ पर लगाएंगे आप लगा दें 650 रुपये किलो, ठीक है, और 700 रुपये किलो भी लगा सकते हैं, 650 रुपये किलो भी लगा सकते हैं। अब आप अगर ये देखें कि आपने जो है आपको तेल पड़ा 400 रुपये किलो तमाम पैकिंग्स के साथ बिल्कुल खालिस, इसमें कोई मिलावट नहीं होगी तेल के अंदर, आपके सामने वहाँ पर निकल रहा होगा, आपके सामने जो है पैक होगा तेल, ठीक है, और एज इट इज़ आप इसको आगे सेल कर देंगे। तो 400 रुपये किलो अगर आपको पड़ रहा है तेल और आप आगे 650 रुपये बेच रहे हैं तो सीधे सीधे आपको 250 रुपये इसके ऊपर बच गए। 50 रुपये इसमें और ऐड कर दें, दराज की जो डिलीवरी चार्जेस होते हैं वो ऐड कर दें, 700 रुपये का ऐड कर दें, और ये ऑनलाइन ऐसे ही बिक रहा है 650-700-750, ठीक है, 50 रुपये आप डिलीवरी के भी निकाल देते हैं तब भी आपको 1 kg के ऊपर 250 रुपये बच गए। और लोग जो ऑर्डर करते हैं तेल का, वो 1 किलो तो ऑर्डर करते नहीं है, जाहिर है अगर तेल का ऑर्डर करना होगा घर में पकाने के लिए तो कम से कम 5 किलो तो बंदा मंगवाएगा, 10 किलो तो मंगवाएगा, तो अगर 5 किलो भी एक पर बंदा मंगवाता है आपसे तेल, तो 250 रुपये के हिसाब से आप लगा लें कि 5 किलो के तेल के ऊपर अगर 5 किलो एक बंदे को आपने सेल करा तो आपको कितने बच गए, सीधा सीधा आप लोगों को 1,250 रुपये प्रॉफिट हो रहा है 5 किलो तेल सेल करने पे। और ये तो सिर्फ मैं 5 किलो बता रहा हूँ, दराज पे जब आप अपनी प्रोडक्ट की तस्वीरें लगाएंगे तो इतना ज़्यादा आपका तेल सेल होगा ये, और जब लोग एक बार इस्तेमाल करेंगे उनको पता चलेगा कि खालिस तेल सरसों का आप लोग बेच रहे हैं, इसमें कोई मिलावट नहीं है, तो इतनी ज़्यादा आप लोगों की सेल होगी, क्योंकि हर कोई ये चाहता है कि मार्केट ना जाना पड़े, घर बैठे जो है उसका काम हो जाए और अच्छी अच्छी प्रोडक्ट मिल जाए, ओरिजिनल प्रोडक्ट मिल जाए, अच्छी खालिस चीज़ मिल जाए उसको। तो जब लोगों को पता चलेगा आप खालिस चीज़ बेच रहे हैं और घर तक डिलीवर करके देख रहे दे रहे हैं तो 200-300 रुपये का मुँह कोई नहीं देखता है इतना, वो ये देखते हैं लोग क्या यार खालिस चीज़ मिल रही है, घर तक आ रही है हमारी चीज़, तो इतनी ज़्यादा आप लोगों को इसके ऑर्डर्स आएंगे कि 1,000 रुपया आप लोग इससे कमा सकते हैं। आपने कुछ नहीं करना, ना घर में मशीनें लगानी है, ना ख़ुद तेल निकालना है, बस आप लोग कोलू पे जाएं, वहाँ पे बड़ी बड़ी मशीनें लगी होती हैं, तेल निकल रहा होता है, ठीक है, होलसेल रेट पे आप उनसे तेल लें, 360 रुपये किलो तो नॉर्मल बेच रहे हैं वो, और अगर आप होलसेल रेट पे लेंगे कि भाई आप उनके अगर डेली के कस्टमर बन जाएंगे, डेली का आप माशाल्लाह से अगर आपका तेल सेल होने लगेगा 10 किलो 20 किलो 30 किलो, तो ज़ाहिर है फिर आप लोगों को 360 थोड़ी देंगे, वो आप लोगों को 330 रुपये किलो 340 रुपये किलो डिस्काउंट करके देंगे। तो आप लोग खुद सोच लें कि इस कारोबार के अंदर कितना ज़्यादा प्रॉफिट है, बहुत ही अच्छा कारोबार बता रहा हूँ, स्टार्ट करके देखें, जीरो इन्वेस्टमेंट इसमें मैं किस लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि आपने पैसा खर्च नहीं करने इसके अंदर। आप क्या करेंगे, आप जो तेल की इमेजेस हैं बस वो लगा देंगे, कोलू के ऊपर जाएं, तेल की इमेजेस लें, तस्वीरें लें अपने मोबाइल से, ठीक है, घर पे आके अपना जो भी ग्राफिक्स बनाएंगे, एक उनकी बोतल की तस्वीर, वहीं पे बोतलें रखी भी होती हैं उसमें तेल भी होता है, उसमें बोतल की तस्वीर ले लें, उस पर अपना ग्राफिक्स लगा दें, ठीक है सर, जस्ट आपने घर पे आके जो है अपने दराज पे तस्वीर अपलोड करनी है, जब ऑर्डर आपके पास आएगा तब आपने जाके जो है चीज़ परचेस करनी है, पहले से उसके अंदर पैसे नहीं लगाने, ठीक है। आप तो क्या करेंगे, जब अपनी दराज पे शॉप ओपन कर लेंगे, अपनी जो प्रोडक्ट की तस्वीरें हैं वो अपलोड कर देंगे, आपके पास ऑर्डर्स आने शुरू हो जाएंगे, जब आपके पास ऑर्डर आएगा उस टाइम पर आप जाएंगे, क्योंकि ऑर्डर आने के बाद 3 से 5 दिन जो है दराज देता है कस्टमर को ऑर्डर अपना अरेंज करने के लिए, तो जब आपके पास ऑर्डर आएगा तो आप क्या करेंगे, आप जाएंगे सीधे वहाँ पे कोलू पे, वहाँ से तेल परचेस करेंगे और लाकर जो है दराज पे डिलीवर कर देंगे, जो भी दराज की आपके करीब शॉप होगी उसको पैक करके दराज पे डिलीवर कर देंगे। दराज क्या करेगा, जाके उस कस्टमर को जो है वो आपका जो ऑयल है वो दे देगा, कस्टमर उसको पैसे दे देगा, और दराज जो है उसमें से अपने डिलीवरी चार्जेस 50-60 रुपये जो भी उनके डिलीवरी चार्जेस बन रहे होंगे वो माइनस करके बाकी के सारे पैसे आपके अकाउंट में, आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देगा। तो इस तरह आपको पहले से जो है इसमें 1,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट नहीं करनी पड़ेगी कि आप लोग मशीनें परचेस करें, आप लोग बीज परचेस करें, फिर उसकी कॉस्ट तेल निकालने में उसकी कॉस्ट लगे, बिजली लगे, इतना खर्चा हो, आपको सब कुछ बना बनाया मिल रहा है। जब ऑर्डर आएगा, जब आप जाएं और अपना ऑर्डर लें, जितने का ऑर्डर आया है 5 किलो तेल का 1 किलो तेल का 10 किलो तेल का उतना तेल लें और हाथ के हाथ डिलीवर कर दें, 2 से 3 दिन के अंदर आपको आपके पैसे मिल जाएंगे जैसी दराज जो है कस्टमर को वो चीज़ डिलीवर करेगा। तो बहुत ही ज़बरदस्त ये जो है मैं आप लोगों को कारोबार बता रहा हूँ, करके ज़रूर देखें, कोई इन्वेस्टमेंट इसके अंदर इतनी ज़्यादा नहीं है, ठीक है, बिल्कुल जीरो से आप लोग स्टार्ट कर रहे हैं, जब ऑर्डर आएगा तभी आप लोग जाके इसको परचेस करेंगे। वीडियो
अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।